सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम सर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस और कॉइन मार्केट के आपके वैल्यूएशन देखेंगे कि आप मार्केट की हालत फिलहाल क्यों इतनी खराब हो गई है। और अगर मैं न्यूज़ की बात बोलूँ तो मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ मैं न्यूज़ की तलाश में, कुछ तो मिल जाए जिसकी वजह से रीज़न पता चला जाता है मैं आपको अपडेट दे सकूँ। तो मुझे अभी तक तो फिलहाल कोई रीज़न नहीं मिला, लेकिन यस अगर अपकमिंग अपडेट्स अगर कुछ आते हैं उसके रिलेटेड तो मैं वीडियो आपके लिए अपडेट ज़रूर कर दूंगा। बट आज के इस वीडियो में मेनली डेडिकेटेड जो बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसे मूवमेंट एक ऐसे सपोर्ट लेवल पर आया है वीकली चार्ट के अंदर, अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 वीक के अंदर आपको बुल रन बिटकॉइन में देखने को मिल जाएगा। बट अगर ये होल्ड नहीं करता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ सकता है। तो ये दोनों चांसेस मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ टेक्निकल नॉलेज के मदद से, क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में या फिर क्या होने के चांसेस है, सिर्फ यही बता रहा हूँ। एक मुझे पता चला कोई यूट्यूबर है जो कि अपने यूट्यूब चैनल से टेक्निकल एनालिसिस सीखा है और पेड कोर्सेज सेल कर रहा है। तो मेरे भाई ऐसा ना कर, ठीक है यार, अगर तेरे पास टेक्निकल नॉलेज है तो उस टेक्निकल नॉलेज से तू ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता है, ऐसा नहीं है कि तू नहीं बना सकता। क्योंकि अगर तू सिखा रहा है किसी को तो इट मीन्स कि यू हैव अ नॉलेज। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको आप फ्री में एजुकेट करो लोगों को, ताकि देखिए एक तो चीज़ है बहुत ज़्यादा लोग पीछे हैं आज, ठीक है। मैं समझता हूँ क्रिप्टो करेंसी, अच्छा क्रिप्टो करेंसी छोड़ दो, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर बहुत कम लोग आते हैं। मैं फाइनेंशियल मार्केट को एक बेस्ट बिजनेस की तरह देखता हूँ, क्योंकि जितना आसान तरीके से पैसा यहाँ बनता है कहीं और नहीं बन सकता है। तो आप अगर फ्री में एजुकेट करोगे तो पता नहीं कितने लाखों लोग सीख सकते हैं और कितने करोड़ लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ आगे फ्री में ही सिखाओ। पैसे यार आज है कल नहीं है, ज़िंदगी अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ऊपर कुछ काम आएंगे आपके लिए। क्योंकि एक हदीस है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके कारण मैं मोटिवेट हुआ था, जिस कारण मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था फ्री एजुकेशन सिस्टम चलाने के लिए, वो यही था कि भाई हदीस कुछ इस तरह की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो इल्म को हासिल करे और दूसरों तक पहुंचाए। तो अगर आप तुम बेहतर शख्स बनना चाहते हो तो इल्म यानी नॉलेज कलेक्ट करो और दूसरों तक उस नॉलेज को पहुंचाओ, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अगर आपको आखिरत में भी मिलने वाला है। और कई हदीसें मैं जानता हूँ बंदा मुस्लिम है तो उसको कई हदीसें पता ही होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यूट्यूब चैनल का, लेकिन इतना ही बोलना चाहूँगा भाई एक एक दो दो ETH ले रहे हो ठीक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सिखाओ लोगों को ताकि नॉलेज उनको मिल सके एक रियल, क्योंकि बहुत हर लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बहुत कम लोग हैं जो आपको पेड कर सकते हैं, बट जिसके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीख सकते हो उनसे। तो मतलब लोग आपसे सीखेंगे, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है तो फ्री में एजुकेट करो। मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बंदा मेरा यूट्यूब चैनल डेली देखता है, डेली वीडियोस वॉच करता है, तो ये वीडियो पर देख रहा है। तो थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर लो और फ्री एजुकेट करना स्टार्ट कर दो, इंशाल्लाह बहुत बरकत देंगे उसमें, और जितना आप अभी कमा रहे हो उससे शायद 10 गुना ज़्यादा भी इंशाल्लाह कमाना स्टार्ट कर दोगे। खैर तो भाई अगर सुन रहे हैं तो इसको कन्फर्म कर लो प्लीज़। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी ओर से कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपकी लेवल है, कमेंट करके बताइए। ये भी कमेंट करके बताइए कि ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, ये कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको, क्या बिटकॉइन आने वाले कुछ वीक्स के अंदर बुल रन लेगा या नहीं लेगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करता हूं, आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे आइडिया मिलता है कि आप क्या सोच रहे हो, वही हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और कोई सजेशन देना चाहते हो बॉक्स ओपन है, प्लीज़ कमेंट करो। और फिलहाल अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे क्या मूवमेंट हो सकता है। सो मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सबसे पहले चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकन पर क्लिक करके सेव कर लेना है, साथ में आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कंटेंट मिलेगा। इतनी गारंटी के साथ मैं दे सकता हूँ कि जो भी बंदा अपने चैनल से सीख कर अगर कुछ सिखा रहा है तो मेरी तरह डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो मैंने एक्सप्लेन किया हो काफ़ी डीपली, छोटी से छोटी चीज़ कवर किया हो। मैं यहाँ पर अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ही कोर्स देखिए। देखिए एक तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा मेरा कोर्स देख कर ही सके ताकि आपका पैसा बच सके। बट यस, जितना डीपली मैंने एक्सप्लेन किया हो मुझे पता है कि मैं पेड में उतना कोई नहीं सिखाता है, तो पूरा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। इच्युमोको क्लाउड सिस्टम है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर सीख सकते हो। और आपने कोई कमेंट नहीं किया, मैंने न्यू बैनर अपडेट किया था बट आपकी ओर से कोई कमेंट नहीं आया, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि बैनर आपको कैसा दिखता है, और अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो मुझे बताएं, मैं कुछ ना कुछ उसमें चेंज इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। सो खैर अभी हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग वेबसाइट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर हम वीकली चार्ट पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि वीकली के अंदर हमको कैसा एक प्रॉपर तरीके से डिसीजन समझ में आता है कि मार्केट क्या बताना चाह रहा है। जस्ट अ मोमेंट, मैं ये मुकाइट करता हूँ।
ओके, फिलहाल मार्केट जहाँ पर हायर लो मार्केट बना रहा है और मार्केट जो ट्रेंड पर आकर रुका है वो काफ़ी, मतलब जो लेवल पर आकर रुका है काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा लेवल है। मतलब वो लेवल से मार्केट में भी रिवर्सल ले सकता है, इट मोस्ट चांसेस कि भाई यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करेगा। 1 वीक का चार्ट के अंदर एक्जैक्टली हमको समझ में आ जाता है। दो चीज़ यहाँ पर बन रहे हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ बनाते हो इट्स लाइक सिमेट्रिकल और साइड वे पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं एक्जैक्टली कुछ और देख रहा था 1 वीक के चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन से अगर मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर अगर देखते हो तो मार्केट ने यहाँ पर एक सेकेंड मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्टली पहला सपोर्ट एक लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा रह चुका है, एग्जैक्टली नहीं हुआ है, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली नहीं हुआ पर थोड़े से पे रह गया था। तो अगर हम इसको ये भी बोले कि मार्केट इस पैटर्न को मे भी फॉलो कर रहा है जो कि हमारा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता तो आप सभी को बता दो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंटिन्यूएशन प्लस रिवर्सल पैटर्न है। कंटिन्यू इट मीन्स कि या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा या नहीं तो अब ट्रेंड में मूव ऑन लेगा या रिवर्सल करेगा मार्केट। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है बिल्कुल एपेक्स के क्लोज आ चुका है तो याद रखिए इतना मार्केट इसको टेस्ट लेगा सपोर्ट लाइन को और यहाँ से ब्रेकआउट लेकर इतना हाई जाने के चांसेस है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ तो शायद 12,700 के करीब है। बट जो एक चीज़ मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, देखिए एक चीज़ याद रखिए मार्केट हमारे पास लो भी होता है बट ये लोस यहाँ तक था इसलिए हमने बॉडी टू लो कनेक्ट किया है। बट यस, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है यानी अगर मार्केट इसको होल्ड नहीं करता है तो गाइस बहुत पहले वीडियोस बने हुए थे, काफ़ी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे बिटकॉइन में कम 3,500 और मैंने भी बताया था मे बी चांसेस उसके हो सकते हैं, तो तैयार रहिए $3,590 पर। यहाँ पर मैं किसको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन जो टेक्निकली दिखाई दे रहा है, जो टेक्निकल दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1 वीक के चार्ट के अंदर देख रहा जाएंगे तो ये सपोर्ट है, उसके बाद एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। तो या हम ये भी बोल सकते हैं मे बी मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा, बट मेरा जो चांसेस है या ऑलमोस्ट जो लग रहा है जो एरिया यहाँ पर बना हुआ है तो $4,481 से लेकर $3,633 तक के करीब है 1 वीक के चार्ट के अंदर। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर ये बाइनेंस है ना, हम उसको BTC USD बिट्रेक्स पे देखेंगे, बिट्रेक्स पर काफ़ी दिनों से चार्ट अवेलेबल है, ओल्ड चार्ट भी हमको मिल जाएगा तो आइडिया थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट लेवल से डाउनवर्ड के जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम बुल रन स्टार्ट किया था मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं, ज्यादा चांसेस रिवर्सल की दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक चीज है मार्केट अगर इतना डाउन होगा तो माइनिंग जो लोग कर रहे हैं वो माइनिंग सेटअप अपना बंद कर देंगे क्योंकि उनको उतना प्रॉफिट्स नहीं होगा। तो एक चीज ये भी है इसके पीछे कि भाई इतना लॉजिक हर कोई लगा सकता है कि भाई माइनिंग में अगर पैसा नहीं बनेगा तो ट्रांजेक्शन कन्फर्म कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, जिस तरह ETH प्राइस गिरने के बाद उसका पेंडिंग ट्रांजेक्शन काफ़ी हो चुका है, वजह सिंपल सी है भाई माइनिंग जो भी कर रहे हैं उनको पैसा चाहिए, और अगर हैश पावर मतलब अगर उसका प्राइस गिर जा रहा है डॉलर के रेट के मुकाबले तो जब वो वैल्यूएशन कर रहे हैं उस चीज़ का तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसके लिए उसका मार्केट गिरा है इतना और ज़्यादा गिर रहा है इसके कारण, बट वो रिवर्सल होगा उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यस, इसमें भी वही चीज़ है, अगर मार्केट नीचे डंप लेंगे तो जो माइनिंग कॉस्ट है वो निकल नहीं पाएगा, तो इसके कारण सेटअप्स जो लगे हुए हैं जो भी लोग कंपनीज बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो ऑब्वियसली बात है यार, अगर माइनिंग बंद होगा तो बिटकॉइन कहाँ से चलेगा, ट्रांजेक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा तो बिटकॉइन तो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो ये लोग तो इतना नीचे नहीं आने देंगे, चांसेस यहाँ से रिवर्सल के ज़्यादा दिखाई दे रहे और मे बी इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है, बट अगर नीचे ब्रेकडाउन किया तो हमको डाउनवर्ड में भी जाने को देखने को मिल सकता है। नीचे के चांसेस मुझे काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जितने अच्छे तरीके से मार्केट हायर लो बना रहा है तो चांसेस यही लग रहे हैं कि मे बी मार्केट यहाँ से अपवर्ड में रिवर्सल लेगा। अगर मैं सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो कुछ पैटर्न और डिफरेंट तरीके से भी यहाँ पर बनता है, अगर आप और शॉर्ट टाइम पीरियड में देखना चाहोगे, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग और शॉर्ट टाइम में पैटर्न बंद रहे जिसका जनरली रिवर्सल अगर यहाँ से होता है तो ये ब्रेकआउट के बाद ही होगा, यानी लॉन्ग टर्म के अंदर हम एसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल देखे या नहीं तो अगर हम एक नॉर्मल वेज, एक्जैक्टली वेज नहीं है बट इसका जो फॉर्म बन रहा है इट्स लाइक अ सिमिलर टू वेज पैटर्न, तो जो भी है हमको बस ब्रेकआउट और अपवर्ड टारगेट पर नज़र रखना है और देखते हैं इसके बाद मार्केट क्या मूवमेंट ले सकता है।
तो ये सिंपल सा बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस था। यहाँ पर कोई बाय सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जनरल से आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ क्या चांसेस हो सकते हैं, ताकि जो लोग इन्वॉल्वमेंट या परचेस करना चाह रहे हैं तो वो इसके ब्रेकआउट पर, यानी जो ट्रायंगल हमारा पैटर्न बना है, फिर अगर आप उसको असेंडिंग पैटर्न की तरह देखिए, डिसेंडिंग तक, सॉरी अगर आप सिमेट्रिकल देखते हो सिमेट्रिकल देखिए, वैज देखते हो वैज देखिए, क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं 1 वीक के चार्ट के अंदर, डेली चार्ट के अंदर, तो वही हिसाब से आप देख सकते हो। तो अगर हम इसकी भी बात करते हैं, इट्स लाइक अ वैज पैटर्न, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं, और रिवर्सल होंगे तो हमको कन्फर्म हो जाएगा कि एक्जैक्टली क्या है। तो अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं, बट सबका मोशन एक ही दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा अपकमिंग वीक्स। यानी अगर हम ये करंट वीक की बात करते हैं तो एक दो मतलब 3-4 वीक के अंदर हमको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा मार्केट क्या मूवमेंट ले सकता है। तो जो लोग अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो दे कैन बाय आफ्टर दिस ब्रेकआउट, मतलब ये जब प्राइस ब्रेकआउट होगा तो लॉन्ग टर्म यहाँ से जाना चाह रहे तो जा सकते हैं। मैं सिग्नल्स नहीं बोल रहा हूँ, जो कि बिटकॉइन को एज अ एसेट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए। तो एक नॉर्मल सा टेक्निकल एनालिसिस था, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करेगा या नहीं करने वाला है, तो ताकि मुझे भी आइडिया थोड़ा समझ में आ जाए। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट 192 बिलियन डॉलर का अवेलेबल है। मतलब यार पूरा मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट ले रहा था, बट अचानक इसमें डंप आया था। मैंने काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी देर से मैं रिसर्च कर रहा था कोई ऐसा न्यूज़ मिल जाए, बट कोई ऐसा न्यूज़ नहीं मिला जिसके कारण ये बोल सकते कि हाँ यस मार्केट इसके लिए इसके कारण डंप हुआ है। तो ऐसे कोई न्यूज़ अभी तक मेरे सामने तो नहीं आया। मे बी अगर शाम तक दोपहर तक कोई आर्टिकल या कोई न्यूज़ आता है तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बना दूंगा। तो फिलहाल मार्केट क्या 192 बिलियन डॉलर पे अवेलेबल है और डोमिनेंस काफ़ी होल्ड कर रहा है। डोमिनेंस अगर मैं कल की बात करता तो कल बिटकॉइन और इथेरियम लगभग अदर कॉइन रेड और ग्रीन हो रहे थे, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम एक वॉलेटाइल मार्केट शो कर रहे थे और मे बी वो वॉलेटिलिटी तोड़ दिया। अगर मैं इसको 4 घंटे के पीरियड में आपको बताना चाहूँ ना, तो अगर आप यहाँ पर नज़र रख रहे हो, हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर अगर आप नज़र रख रहे हो तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था यहाँ पर, और उसके बाद अचानक स्पाइक डाउन किया है। वॉलेटाइल के अलावा यहाँ पर एक पैटर्न भी दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर कर लोगे तो आपको पैटर्न दिख जाएगा। इट्स लाइक आई थिंक सिमेट्रिकल ट्राइंगल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ट्राइंगल डाउनवर्ड में ब्रेकआउट लिया है, और जितना हाइट था मेरे हिसाब से उतना टारगेट पूरा हो चुका है। क्योंकि अगर हम यहां से हाइट कैलकुलेट करते हैं, तो मार्केट ने एग्जैक्टली उतना डाउन तो ले लिया, यहां पर कोई मसला नहीं है, और सपोर्ट लेवल प्रीवियस यहां पर, तो देखते हैं यहां से मार्केट रिवर्सल लेता है या नहीं ले, क्योंकि जितना टारगेट था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर 21 EMA लगाऊँ तो मार्केट का हमको इजीली रिजेक्शन समझ में आएगा 1 डे के चार्ट के अंदर, जहाँ से हमको मार्केट ने EMA को ब्रेकआउट नहीं किया। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो मार्केट ने इस लाइन को 1, 2, 3, 4 यानी EMA के लाइन को 4 टाइम रिजेक्ट किया है। और अगर आप 4 दिन के देखोगे तो मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल था और उसके बाद स्पाइक डाउन लिया है। मे बी मार्केट यहाँ से टेस्ट लेकर रिवर्सल ले सकता है अपवर्ड की तरफ, यानी इस पोजिशन पर, क्योंकि मार्केट जिस तरह बना रहा है, अगर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज़ करूँ तो हमको थोड़ा सा टारगेट का आइडिया हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है तो अपवर्ड टारगेट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर इसको करता हूँ, ओके। तो फिलहाल 3861 और ये दो टारगेट हमको इजीली दिख सकते हैं अपवर्ड, यानी मार्केट में भी यहाँ तक जाने के चांसेस हमको हो सकते हैं, लेकिन अभी तक रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है कोई भी। और देखते हैं मार्केट कब तक इस पोजीशन को होल्ड करते, क्योंकि RSI भी बिल्कुल एक मे बी यहाँ से हमको एक डाइवर्जन देखने को मिल सकता है, बट नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, क्योंकि अगर ये टर्न अप लेता है तो डाइवर्जन हमको देखने को मिलेगा। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट यहाँ से हाई और मार्केट यहाँ से लो में, तो देखते हैं मार्केट आगे क्या कंडीशन दिखाएगा। तो हिसाब से जो भी ट्रेड कर, जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो यहाँ पर ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेड को लगा सकते हैं। कॉर्न मार्केट कैप में अभी तक मार्केट काफ़ी डंप हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है बताने के लिए जिसके मैं आपको बोल सकूँ कि हाँ भाई इसके कारण ये डंप हुआ है, ये रीज़न है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है किस कारण मार्केट इतना डंप हुआ है। मे बी रीज़न हो सकता है, मैंने जो वीडियो यहाँ पर बनाया था लगभग कल के दिन में या परसों के दिन में, जो मुझे याद नहीं है, ये वीडियो को आप देख सकते हो, इसमें चांसेस इसके ज़्यादा लग रहे कि शायद इसकी वजह से डंप मार्केट ने लिया, तो इसको आगे आप थोड़ा देख सकते हो ताकि आपको आइडिया आ सके। उम्मीद करता हूँ आपकी ये टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली समझ में आ चुका है।
सो गाइस उम्मीद करता हूं आपके वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है। दोबारा रिपीट करवा दो आप सभी को, मैं यहां पर मैं कोई आपको बाय से सिग्नल्स नहीं दे रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ आपको अपना आइडिया शेयर कर रहा हूं क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट का विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आप अगर बाय सेल करना चाह रहे हो अपने ओन रिस्क रिसर्च पर आप कर सकते हो, प्लस जिसको पता नहीं है तो भाई प्लेलिस्ट के अंदर चैनल पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अवेलेबल है, जाकर सीख लो, किसी को पैसा पे करने से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर है सीख लो। और जो लोग सीख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को या कम से कम सिर्फ उतने वीडियोस को आगे शेयर कर लो ताकि कुछ लोगों का भला हो सके, कुछ लोगों का पैसा बच सके। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पीरियड में फॉरेक्स के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस लाने वाला हूँ और बस फिर इंशाल्लाह हम फॉरेक्स पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, तो बहुत जल्दी वो स्ट्रैटेजी के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए आ जाएगी। मैं स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह बना रहा हूँ, मतलब आपके पास अगर कम से कम पैसा भी होता है ना, अगर आपके पास $300-$400 भी होते तो उससे आप अपना रेगुलर इनकम स्टार्ट कर सकते हो। रेगुलर इनकम मतलब एक जॉब में हमको जितना 10,000-12,000-15,000 मिलता है तो एटलीस्ट आप पर मंथ उतना गेन कर सकते हो फॉरेक्स से वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। इंशाल्लाह जैसे मुझे उसमें फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो मैं आपके लिए वो शेयर कर दूंगा और फिर आप उसे सीख के अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद।